तो हमने बात की थी एफ्रोडाइट की यानी गॉडेस ऑफ लव की, जिसकी हवस ने पूरे ग्रीक में अपने निशान छोड़ दिए थे, और हेडीज की धर्म पत्नी परसेफने की जो अंडरवर्ल्ड की क्वीन थी। पर आज बात करते हैं ऐसे कांड की जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, एक ह्यूमन थी मर्रा जो एक वर्जिन थी गॉडेस अथीना की तरह, और हमेशा लड़कों को दूर भगाती रहती थी, उनके प्रपोजल ठुकराती रहती थी। अब ये देख के एफ्रोडाइट को लगी आग, क्योंकि वो प्यार और हवस की देवी थी। अब कोई प्यार ही नहीं पाना चाहता तो उसको गुस्सा आ गया। तो एफ्रोडाइट ने क्या किया कि उस बेचारी औरत को अपने ही बाप की हवस में डाल दिया। और एफ्रोडाइट ये वाला काला जादू किसके हाथों करवाती है, इस बारे में डिटेल में जानने के लिए ऊपर शो हो रहे वीडियो को देख लेना। अब मर्रा एफ्रोडाइट के जाल में फंसी हवस में पागल बस तरीके ढूंढने लगी अपने ही पिता को फंसाने के, और वो कामयाब भी हो गई जब उसने किसी तरह उसे संभोग पाने के लिए मना लिया। पर जब तक उसके बाप को अकल आई, कांड हो चुका था। तो उसके बाप ने उसे मारने की कोशिश की। अब मर्रा बेचारी गॉड से भीख मांगने लगी कि मुझे बचा लो। अब ससुरे ग्रीक गॉड शुरू से ही बहुत अजीब थे, तो उन्होंने उसे एक पेड़ में चेंज कर दिया और वो कहलाई मर ट्री। अब पेड़ बने हुए ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो कहलाया एडोनिस। और मैं बता रहा हूँ, तुम्हें ये बंदा बहुत पसंद आएगा। तो एफ्रोडाइट ने उस बच्चे को परसेफनी को दे दिया पालने के लिए। अब ये बहुत ही ज्यादा एपिक बात थी कि एक इंसान अंडरवर्ल्ड में गॉड्स के हाथों बड़ा हुआ, और वो कतई ज्यादा हैंडसम था, यानी कई गॉड से भी ज्यादा अच्छा दिखने वाला। अब वो बड़ा होने के बाद धरती पर भी जाने लगा ताकि वो शिकार वगैरह कर सके। अब वहीं एक बार जब वो धरती पे गया तो वो एफ्रोडाइट को दिख गया। उसकी सुंदरता के आगे एफ्रोडाइट पागल हो गई कि एक इंसान ऐसा कैसे दिख सकता है, और एफ्रोडाइट का बेटा उससे जलने लगा। पर गलती से उसका प्यार वाला तीर चल गया, और अभी तक एडोनिस पे क्रश कर रही एफ्रोडाइट उसके प्यार में गिर गई। अब एफ्रोडाइट एडोनिस के पास गई और उसे सेड्यूस करने लग गई। अब एफ्रोडाइट लस्ट और लव के साथ साथ गॉडेस ऑफ ब्यूटी भी थी, तो एडोनिस ने उसे साइड करने की कोशिश नहीं की और दोनों का संबंध संभोग चालू हो गया। और एफ्रोडाइट ने लिटरली बाकी गॉड्स को ये बोल दिया कि ये माल पे बस मेरा हक है। और वहीं इरोस जो एफ्रोडाइट का बेटा था वो हद से ज्यादा जल रहा था, और एफ्रोडाइट का पुराना लवर एरिस भी जल रहा था। तो जब इरोस से रहा नहीं गया तो उसने परसेफनी पर तीर मार दिया, और कल तक जो एडोनिस को पाल रही थी, माँ की तरह प्यार कर रही थी, आज वो एडोनिस के प्यार में पड़ गई थी। और वहीं एरिस ने एक जंगली सुअर की मदद से एडोनिस पे हमला कराया, और इसके चलते जब तक एफ्रोडाइट वहाँ पहुँची, एडोनिस मर चुका था। और जब एडोनिस मरने के बाद अंडरवर्ल्ड में पहुंचा तो परसेफनी जो अभी भी इरोस के तीर के जादू में थी, उसने एडोनिस को एक कमरे में बंद कर दिया। और हर रात जब उसका पति हेडीस सोने जाता तो वो उस कमरे में जाती और एडोनिस के साथ संभोग करती। एडोनिस ये करना नहीं चाहता था, पर वो बस पिंजरे का एक पक्षी बनकर रह गया था। और इधर एफ्रोडाइट हेडीस से एडोनिस की मांग करती है कि उसे अंडरवर्ल्ड से वापस धरती पर भेजे, और जब वो नहीं माने तो उसने बोला कि वो प्यार को ही इस दुनिया से मिटा देगी, बस नफरत बसेगी हर दिल में। और उसने ऐसा ही किया, इतना कि ज्यूस को खुद बीच में कूदना पड़ गया, क्योंकि ज्यूस को भी तो माल चाहिए था टाइम टू टाइम, तुम तो जानते ही हो ज्यूस का नेचर। और आप तो मेरा नेचर जानती हो, और लेडीज लोग तो सब चेक करती है, कहीं लूज तो नहीं है, साइज तो ठीक है, साफ दिखाना पड़ता है। ऐसे ही 40 साल से धंधा नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इसने जो परसेफनी के साथ किया वही आइडिया यहाँ पे भी लगाया कि एडोनिस साल के 3 भाग जिएगा, एक भाग अंडरवर्ल्ड में, एक भाग एफ्रोडाइट के साथ, और एक भाग जहाँ भी उसका मन करे। और जब कभी भी एडोनिस को जैसे एफ्रोडाइट अपने पास ज्यादा दिन रख लेती तो सर्दियाँ लंबी हो जाती, या परसेफनी अपने पास ज्यादा दिन रख लेती तो गर्मियाँ लंबी हो जाती। और एडोनिस बेचारा अब इमॉर्टल बन चुका था, ताकि दोनों गॉडेस हमेशा लड़ती रहें, परसेफनी बिना हेडीस को पता चले और एफ्रोडाइट सबके सामने उसके मजे ले, और बचा हुआ टाइम ही अब उसकी जिंदगी थी। और उस बेचारे को ये कुछ भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो कुछ लोगों की तरह हॉर्नी नहीं था जो दो गॉडेस के बीच पिसने के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये थी कहानी एक लव और लस्ट की माइथोलॉजी की ग्रीक से। अब अगर तुम्हें ग्रीक गॉड्स या उनकी माइथोलॉजी के बारे में और जानना है तो कमेंट में ग्रीक माइथोलॉजी कमेंट कर देना।